संजय दत्त की बायोपिक संजू रिलीज हो चुकी है, ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है, कई लोगों को पसंद आ रही है, तो कहीं पर कुछ लोगों ने ये शिकायत भी दर्ज की कि आखिर संजय दत्त के बारे में बहुत कुछ इसमें नहीं दिखाया गया, ये उनकी पीआर है। खैर, इन सब चीजों से अलग चलिए आपको सुनाते हैं संजय दत्त के जीवन की एक असल घटना। डॉन अबू सलीम ने भेजे थे अपने शूटर संजय दत्त को मारने के लिए, संजय दत्त का मर्डर करने के लिए उतारू था अबू सलीम। ये कहानी आपको फिल्म में देखने को नहीं मिलेगी। क्या है पूरी कहानी, आखिर अबू सलीम क्यों मारना चाहता था संजय को, ये भी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। 29 जून को रिलीज हुई है संजू। फिल्म में उनकी लाइफ के कई पहलुओं को दिखाया गया है। संजय दत्त बी टाउन के उन एक्टर्स में से एक हैं जिनके अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते काफी खुलकर सामने आए थे, लेकिन इसी अंडरवर्ल्ड की वजह से संजू की जान भी चली जाती। दरअसल ये किस्सा तब का है जब संजय दत्त के कभी अच्छे दोस्त रहे अबू सलीम ने संजय को मारने के लिए शूटर भेजे थे। अबू सलीम ने ही संजय दत्त को AK-56 राइफल भी दी थी। दरअसल एस हुसैन जैदी साहब की किताब माय नेम इज अबू सलीम में इसका जिक्र है। साल 2001 में अबू सलीम की डी कंपनी से अनबन चल रही थी। छोटा राजन और छोटा शकील उनके खून के प्यासे थे। इस साल अबू सलीम अमेरिका में रह रहा था। सलीम ने संजय दत्त को उस वक्त फोन किया कि वो न्यू जर्सी में एक बॉलीवुड शो अटेंड कर रहा है, ऐसे में वो उनसे और बॉलीवुड के दूसरे दोस्तों से मुलाकात करना चाहता है। हालांकि डॉन के इस प्रोग्राम के बारे में केवल संजय को मालूम था, पर आखिरी वक्त पर अबू सलीम ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और उसका रीजन ये था कि डॉन को पता चल गया था कि इस इवेंट में छोटा शकील उसे मारने का प्लान बना चुका है। इसके लिए छोटा शकील के आदमियों ने उस जगह की रेकी भी कर ली थी। अबू सलीम को पता चला था कि संजय दत्त ने छोटा शकील को उसके प्लान के बारे में बताया था। इस घटना के 4 महीने के बाद सलीम ने 4 शूटरों को संजय दत्त को मारने के लिए गोवा भेजा। संजय उस वक्त गोवा में अपने दोस्त और कांटे के डायरेक्टर संजय गुप्ता के साथ थे। अबू सलीम ने शूटर को साफ निर्देश दिया कि या तो संजय दत्त को गोवा में मार दे या फिर मुंबई वापस लौटते वक्त एयरपोर्ट पे मार दे। संजय और गुप्ता को जब इस प्लान के बारे में पता चला तब उन्होंने अबू सलीम के करीबियों से बात की। अबू सलीम संजय दत्त को माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। संजय और गुप्ता होटल के कमरे से बाहर ही नहीं निकले जब तक उन्हें अबू सलीम के करीबी अकबर खान से मुलाकात नहीं की। अकबर खान की बात अबू सलीम कभी नहीं टालता था। संजय दत्त ने अकबर खान से दोनों के बीच मध्यस्थता करने के लिए कहा और वो मान गया। खान ने अबू सलीम से संजय दत्त को माफ करने के लिए कहा। डॉन गुस्से में था लेकिन वो खान की बात टाल नहीं सकता था। इसके बाद अबू सलीम ने शूटर से कहा कि जब तक संजय दत्त और गुप्ता खान की गाड़ी में हैं, उन्हें न मारें। दोनों मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो खान ने उन्हें अपनी कार से घर छोड़ा। सलीम ने बाद में कहा कि उसने संजू को इसीलिए माफ किया क्योंकि उसने फोन पर माफी मांग ली थी। तो इस तरीके से वो संजय दत्त जो कभी अंडरवर्ल्ड के दोस्त हुआ करते थे, करीबी हुआ करते थे, उसी अंडरवर्ल्ड का एक डॉन, उनका करीबी दोस्त अबू सलीम उन्हें मारने के लिए उतारू था। इस वीडियो में इतना ही।